स्मॉल हाउस प्लान डिजाइन। तो यहाँ पर सिंपल डिजाइन है, कम जगह के अंदर। तो कम जगह के अंदर जो डिजाइन करना है हमें, उसी को हमने यहाँ पर किया है। तो 21 बाई 27 फीट के अंदर, 26 फीट समथिंग। तो यहाँ पर रूम वाइज हमने जो कॉलम यहाँ पर हमने ऐड किया है, तो उसी कॉलम का हम यहाँ पर अभी वर्टिकली इसको प्लेस करेंगे। ओके, ऐसे प्लेस करने के बाद हम यहाँ पर इसका जो वॉल, इसको हम प्लेस करेंगे 7 फीट 6 इंच हाइट पर। ठीक है, इसको प्लेस करने के बाद हमें फाइनल जो डिज़ाइन है इसका एक लुक यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर स्टेयर, इसका एक एक रूम का मेजरमेंट, यहाँ पर कुछ फर्नीचर लेआउट प्लान, सब कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आपको एक अच्छा सा प्लानिंग यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला जो है इसका वॉल यहीं पर सेटिंग करना है, उसके बाद बाकी डिटेल्स यहाँ पर हमें सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वॉल था इसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर। ओके, इसको भी हमने यहाँ पर रेडी कर दिया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर इसको हम डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद फाइनल एक लाइन हमें मिल जाएगा स्टेयर के लिए। स्टेयर हमने अंदर पे ऐड किया है, यहाँ पर 2 फीट 4 इंच हाइट पर है। तो फ्रंट साइड हम पहले इसको सेटिंग करेंगे, तो GLPL पे सेटिंग करना है। उसके बाद यहाँ पर 7 फीट हाइट पर सेटिंग करना है। उसके बाद डेप्थ 4 फीट 6 इंच। तो देखिए फ्रंट साइड में एक, लेफ्ट साइड में बेड, और यहाँ पर किचन रहेगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक विंडो हम क्रिएट करेंगे। तो डोर और विंडोज एक साथ रहेगा, तो यहाँ पर भी ऐसे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर इसका जो डोर है इसको हम यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके हमने जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको हमने यहाँ पर सेटिंग करेंगे। ओके, उसके बाद इसको हमें डिलीट करना है। कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद इसको हमें डिलीट करके यहाँ पर ऐसे सेटिंग करना पड़ेगा। तो GLPL हम देखिए, GLPL यहाँ पर जो पार्ट है इसको हम इधर से सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इधर से GLPL सेट करेंगे। उसके बाद हमें तो विंडो चाहिए। यहाँ पर देखिए और एक वॉल बाकी है, इसको हम अभी यहाँ पर रेडी करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें और भी विंडो चाहिए साइड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेडरूम है, कुछ जगह है यहाँ पर। इसके लिए हमें यहाँ पर 7 फीट हाइट पे और यहाँ पर डेप्थ 4 फीट 6 इंच, यहाँ पर यहाँ पर भी हमें ऐसे वॉल क्रिएट करके यहाँ पर विंडो क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बेड है, यहाँ पर बेडरूम का जो जगह है यहाँ पर हमें पीछे से यहाँ पर हमें जगह मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टीवी यूनिट आप रखेंगे तो आपको उधर भी जो पोजीशन है उसी पोजीशन पर थोड़ा सा जगह ऐड रखना चाहिए, और जिससे आपको टीवी यूनिट रखने का पोजीशन मिल जाए। ठीक है, चलिए हम बाद में दिखाते हैं यहाँ पर कहाँ पर हमें टीवी रखना है, यहाँ पर जो पोजीशन है आप चाहे तो। ठीक है, इसको हमें डिलीट करना है, उसके बाद यहाँ पर डिलीट करना है। तो हमने एक पार्ट जो है यहाँ पर रेडी कर दिया है। तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो स्टेयर है इसको हमें यहाँ पर सेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी डिटेल्स सबके साथ शेयर करते हैं। फाइनल कुछ फर्नीचर लेआउट इसके अंदर रेडी करने के बाद हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो 3D पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है 3D में, देखिए हम पहला जो फॉन्ट है इसको हमें यहाँ पर सेटिंग करना है। उसके बाद हम जाएंगे रूम के अंदर। ओके, रूम के अंदर ऐसे देखिए, तो 3D से हम जाएंगे तो इधर देखिए सोफा, यहाँ पर डाइनिंग टेबल, यहाँ पर किचन और यहाँ पर स्टेयर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, बेड के साथ यहाँ पर सोफा, और इधर से अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम एंड लैट्रिन। यहाँ पर देखिए और एक बेड, बेड के साथ यहाँ पर बाथरूम एंड लैट्रिन। ओके, दो बेड, दो अटैच टॉयलेट एंड लैट्रिन, बाथरूम एंड लैट्रिन, यहाँ पर किचन स्टेयर एंड डाइनिंग टेबल, ड्राइंग डाइनिंग एरिया। तो इसका 2D ड्राइंग आपके साथ शेयर करेंगे।
तो टूरिज्म शेयर करने से पहले यहाँ पर आपको देखिए, सिर्फ लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड में और बैक साइड में हमने यहाँ पर इसका विंडो ऐड किया। आप चाहे तो इसको बंद करके यहाँ पर विंडो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टू डी ड्रॉइंग शेयर करते हैं, इसका मेजरमेंट शेयर करते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले लूम ऐड करेंगे, बी ई टी पे आर डबल एम लूम। तो दो बेडरूम है जहाँ पर अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम, यहाँ पर बाथ एंड डब्ल्यू बाई सी लैट्रिन, ओके, यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन। नेक्स्ट किचन, कैंटी सी ए जी एन किचन, यहाँ पर किचन। उसके बाद देखिए डी डब्ल्यू जी एन डी आर ए डब्ल्यू एन जी टॉय, डाइनिंग डी आई एन आई जी डाइनिंग, डाइनिंग ड्रॉइंग इधर ही रहेगा, स्टेयर इधर से, ठीक है, और बाकी तो पर ओपन स्पेस रहेगा। चलिए इसका मेजरमेंट भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो बेडरूम का फर्स्ट मेजरमेंट 12 फीट 9 इंच बाय 10 फीट। तो यहाँ पर क्यों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 21 फीट मिलेगा, ठीक है, ऐसा 21 फीट। नेक्स्ट एक बेडरूम, उसके साथ अटैच टॉयलेट एंड लैट्रिन, बाथ एंड लैट्रिन, 4 फीट 9 बाय 6 फीट। नेक्स्ट 4 फीट 9 बाय 6 फीट, दो बेडरूम है, दो अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम एंड लैट्रिन, दो बेड 21 फीट आपको यहाँ पर मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 26.5 इंच, तो 21 फीट के अंदर हमें इतना ही जगह मिलेगा, 3 फुट 4 इंच इधर है, इधर सब जा सकते हैं। यहाँ पर किचन के लिए हमने इतना जगह रखा है, आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जगह हमने रखा है, ऐसे रहेगा, ओके। तो स्टेयर के लिए हमें कितना जगह चाहिए, 7 फीट 6 इंच, और यहाँ पर देखिए 3 फीट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर 6 फीट, और बाकी यहाँ पर देखिए 3 फीट, यहाँ पर 3 फीट, ऐसे रहेगा। तो बाकी यहाँ पर जो मेन गेट है, यहाँ पर 4 फीट वाइड, यहाँ पर डोर 3 फीट वाइड। नेक्स्ट यहाँ पर 3 फीट वाइड डोर, यहाँ पर 2 फीट 6 इंच वाइड डोर, ऐसे करके आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आउटसाइड इनसाइड वाला है 5 इंच का वाला है, इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना है देखिए, स्क्वायर फीट हम यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर फीट है, यहाँ पर 555 स्क्वायर फीट हाउस प्लान, ओके, 555 यहाँ पर स्क्वायर फीट आएगा। तो उसके बाद आप इसको आपके हिसाब से चेंज या कोई भी मॉडिफाई आप कर सकते हैं इस प्लान के अंदर। कॉस्टिंग कितना आएगा, तो कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप 180 कर दीजिए, तो 10 लाख रुपीज़ तक आपको खर्चा आ जाएगा, ओके, इस टाइप का बिल्डिंग बनाने के लिए। तो आपको प्लानिंग डिजाइन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, 3D पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।